हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको परसों हुई बर्फबारी के बाद कुल्लू से मनाली की खूबसूरत बस यात्रा पर लेकर चलेंगे और मनाली के ताज़ा हालात भी आपको दिखाएंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है और अभी एक दो दिन पहले हिमाचल प्रदेश के समस्त ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस वीडियो में हम मनाली के मौसम, सड़कों और यहाँ आसपास के इलाकों की बात भी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज 21 जनवरी है और पिछला कल पूरा दिन मनाली में बर्फ पड़ती रही, लेकिन आज धूप निकल आई है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं हूं कुल्लू में। कुल्लू से मनाली तक मैं दिल्ली से आने वाली वॉल्वो बस में जाऊंगा, तो मैं यहाँ कुल्लू बस स्टैंड में पहुँच गया हूँ। ये है कुल्लू का नया आधुनिक बस स्टैंड, जो कि सारी सुविधाओं से लैस है और काफ़ी साफ सुथरा भी है। कल रात बर्फ़ की वजह से कई बसेस मनाली नहीं गई थी, तो वो यहाँ कुल्लू में खड़ी हैं और यहीं से वापस जाएंगी। कुल्लू से आपको चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू वगैरह हर जगह की ऑर्डिनरी के साथ साथ लग्जरी बसेस भी मिल जाती हैं। अभी मैंने पता किया तो मेरी बस 10:30 बजे तक यहाँ पहुँचेगी, तो मैं यहाँ धूप में खड़े होने के लिए थोड़ा पीछे आ गया। फिर 10:40 पर मेरी बस यहाँ कुल्लू पहुँच गई। ये दिल्ली से मनाली के लिए चलने वाली दिल्ली से लास्ट वॉल्वो है, जो कि दिल्ली से 9:50 पर निकलती है। मनाली वाली वॉल्वोज में सिर्फ ये वाली बस ही कुल्लू बस स्टैंड आती है, क्योंकि इसे डीजल भरवाना होता है। बाकी चारों बसेस बाहर से निकल जाती हैं और वापसी में यहाँ डीजल भरवाती हैं। तो यहाँ बस स्टैंड में HRTC के पंप पर बस में डीजल डाला जा रहा है। इसके बाद 11 बजे तक हम कुल्लू से निकल गए। बस स्टैंड से निकलने का रास्ता थोड़ा तंग है। अभी हम शहर के बीच से होकर अखाड़ा बाजार होते हुए मेन रोड पर निकलेंगे। और यहाँ हम मिल गए हैं मेन रोड पर। यह है NH 03, जो कि अटारी बॉर्डर पंजाब से अमृतसर, जलंधर, हमीरपुर, सरकाघाट, मंडी, कुल्लू और केलोंग होते हुए लेह तक जाता है। 556 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे का 208 किलोमीटर का स्ट्रेच हिमाचल में है। यहाँ राइट में चंबा मनाली और अमृतसर मनाली वॉल्वो बसेस खड़ी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह तक रोड्स पर बर्फ थी, तो सुबह मनाली पहुंचने वाली सारी बसेस कुल्लू के आसपास ही रुक गई थी। बाकी सारी बसेस भी हमें यहीं आसपास खड़ी मिली। वैसे मनाली तो अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस हो चुका है, लेकिन कुल्लू में भी घूमने के लिए कई खूबसूरत गांव हैं, जैसे कि हलाण, जाना, गड़सा, बिजली महादेव इत्यादि। और सबसे बड़ी बात की HRTC की इन गांवों के लिए भी रेगुलर सर्विसेज अवेलेबल हैं,
तो आप बजट में इन सब गांव तक घूम सकते हैं। कुल्लू से मनाली 40 किलोमीटर दूर है और इस सफ़र में करीब 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। पिछले दशक से यहाँ टूरिज़्म पीक पर है और इसलिए देश विदेश से बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं। भीड़ बढ़ने के साथ साथ यहाँ की कनेक्टिविटी मजबूत करना भी बेहद ज़रूरी था, इसीलिए कीरतपुर से मनाली को 4-लेन रोड से जोड़ा जा रहा है, जिसका काम वैसे लंबे समय से चल रहा है, पर उम्मीद है कि इस साल इस हाईवे को ओपन कर दिया जाएगा। हालांकि बीच बीच के कई स्ट्रेचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। 4-लेन रोड सिर्फ कुल्लू तक ही बनेगा और उसके बाद कुल्लू से मनाली ये चौड़ी डबल लेन सड़क का काम अभी कुछ साल पहले पूरा हो गया था। कुल्लू से मनाली जाने के दो रास्ते हैं। इस रास्ते को राइट बैंक बोला जाता है और सामने नदी के पार लेफ्ट बैंक वाला रास्ता है जिस पे नग्गर पड़ता है। वो रास्ता अभी सिंगल लेन है और इसी हफ्ते NHAI ने PWD से उस रोड को डबल लेन बनाने के प्रोजेक्ट का टेक ओवर ले लिया है, तो कुछ सालों में ब्यास नदी के दोनों तरफ मनाली जाने के दो सुंदर डबल लेन रोड्स तैयार हो जाएंगे। कुल्लू से मनाली के बीच मालतीबाग, रायसन, डोभी, कटराई जैसे कई छोटे छोटे गांव हैं और अब इन सब में कई होमस्टे और होटल्स खुल गए हैं। साथ ही ये एरिया ब्यास नदी के किनारे है तो यहां कैंपिंग साइट्स भी काफ़ी हैं। यहां पूरे रास्ते राफ्टिंग ऑर्गेनाइज करवाने वाली शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी, साथ ही रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी बहुत सारे हैं। अभी कल ही यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ गिरी थी, पर आज सुबह की धूप से सारी पिघल गई। अब हम मनाली पहुँचने ही वाले हैं। ये सारा पानी रात में जमकर ब्लैक आइस बन जाएगा, इसीलिए रात में और सुबह के वक्त यहाँ ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। इसके बाद हम पहुंच गए वॉल्वो बस पार्किंग में। वॉल्वो बसेस ऊपर माल रोड वाले बस स्टैंड नहीं जाती और यहाँ नीचे से ही चलती हैं। ये दिल्ली से रात 9:50 वाली बस सुबह करीब 11:50 पर मनाली पहुंच गई। HRTC की दिल्ली से मनाली के बीच 5 वॉल्वो बसेस हैं, जो कि दिल्ली से शाम 5:30, 7, रात 8:00, 9:03 पर और 9:50 पर चलती हैं। वापसी में मनाली से इन बसेस का टाइम 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 और रात 8:00 का है। HRTC ने अब अपनी वॉल्वोज में फ्लेक्सी फेयर स्कीम शुरू कर दी है, जिससे फेयर आपकी सीट के हिसाब से तय होगा। जो सीट आप चुनेंगे उसके हिसाब से इस रूट पर फेयर 1190 से 1680 के बीच तय किया गया है। इसके ऊपर आप 10% स्मार्ट का डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
इसके अलावा मनाली से चंडीगढ़ के लिए 4, हरिद्वार वाया देहरादून के लिए 1, अमृतसर वाया पठानकोट के लिए 2 डेली वोल्वो बसेस चलती हैं। इन बसेस की बुकिंग आप www.hrtchp.com से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हमारी बस पार्क हो गई और अब रात 8 बजे दिल्ली के लिए चलेगी। इस बस में हमारे स्टाफ थे ड्राइवर राजेंद्र ठाकुर जी जो कि शिमला से हैं, और कंडक्टर थे गगन रावत जी जो कि मंडी से हैं। और यहाँ नीचे है बर्फ ही बर्फ, और लोग यहाँ मैदानों में बैठे अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं। बर्फबारी की खबर सुनकर और आने वाले रिपब्लिक डे वीकेंड की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ है, और आने वाले दिनों में ये भीड़ और बढ़ेगी। अब टैक्सी करके यहाँ से थोड़ा आगे नेहरू कुंड तक जाया जाए। पीछे की स्नो तो बसेस की वजह से एकदम पानी बन गई थी, पर यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ आती हैं इसीलिए रोड साइड काफ़ी बर्फ है। ब्यास नदी घाटी में बसा कुल्लू और मनाली देश का मुख्य पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। अगर पिछले 20 साल पहले की बात की जाए तो उस वक्त मनाली इतना फेमस नहीं था। कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियों के चलते वहां जाने वाले पर्यटकों ने मनाली को सही ऑप्शन माना, और आज मनाली बिल्कुल बदल चुका है। यहां आप साल भर में किसी भी समय आओ, पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अटल टनल रोहतांग के बनने से यहाँ का टूरिज़्म और बूस्ट हो गया, क्योंकि अब पर्यटक केवल मनाली तक ही सीमित नहीं है, आगे वो लाहौल घाटी तक भी घूम कर आते हैं। तो ये हैं आज के सुंदर मनाली के नज़ारे, और इनको देखने के लिए भीड़ भी काफ़ी है। यहाँ नेहरू कुंड के पास इन टर्न से फिर हम वापस आ गए, क्योंकि आगे का रोड अभी बंद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कुल्लू मनाली के ये नज़ारे आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।